नगर निगम चुनाव के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी ने पूरी तत्परता का झोंक दी है। वहीं नगर निगम चुनाव को लेकर दिल्ली के विभिन्न विभिन्न जगह पर भारतीय जनता पार्टी के केंद्रीय मंत्री और दूसरे राज्यों के मुख्यमंत्री भी नजर आए हैं। इसी क्रम में मुनिरका वार्ड के अंदर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जनता के बीच में पहुंचे और नगर निगम चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाने की अपील भी की। उन्होंने अपने संबोधन में भारतीय जनता पार्टी के द्वारा किए गए कार्यों को जहां एक तरफ उत्तराखंड में बताया, वहीं दूसरी तरफ केजरीवाल सरकार पर हमला करते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार जिस तरीके से उत्तराखंड के अंदर बड़े बड़े वादे कर सत्ता का काबिज करना चाहती थी, लेकिन उत्तराखंड में जीरो सीट के अंदर ही सिमट गई। इसी तरीके से दिल्ली के अंदर नगर निगम चुनाव में भी आम आदमी पार्टी बड़े बड़े वादे तो कर रही है, लेकिन दिल्ली की जनता उनकी हकीकत जान चुकी है और आने वाले 4 दिसंबर को वह अरविंद केजरीवाल की सरकार को आईना दिखाएंगे। देवभूमि के इतने विकासों को गिनाया, कुछ दिल्ली के बारे में भी कहेंगे सर? दिल्ली में यहाँ पर पक्के मकान मिलेंगे लोगों को जो झुग्गी झोपड़ी वाले हैं। अभी हमारी पार्टी ने संकल्प लिया है कि दिल्ली में 50 लोगों को मकान दिलाएंगे, स्वास्थ्य की सेवाएं दिलाएंगे। यहाँ पर यमुना जी की सफाई करनी है, वो काम नहीं हो रहा जिसमें मोदी जी पैसा दे रहे हैं। यहाँ मंत्री भ्रष्टाचार में जो है जेलों में बंद हैं, तमाम प्रकार के घोटाले, शिक्षा विभाग के घोटाले, ये घोटाले तमाम सामने आ रहे हैं। इसलिए दिल्ली की जो MCT की जो सरकार है, वह सरकार बनेगी तो जो भारत की सरकार जो काम दिल्ली में करना चाहती है वो सीधे सीधे जो है यहाँ पर लोगों को मिलेंगे। आम जनता को, सामान्य जनता को जिन योजनाओं की आवश्यकता है उन योजनाओं का लाभ मिलेगा। मिल रहा है, बहुत ज़्यादा मिल रहा है, लोगों का समर्थन पूरा मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही होगा पिछले कई दिनों से सब बहुत बड़े बड़े नेताएं आ रहे हैं हमारे समर्थन में, लोगों को जागरूक करने में, तो हमें पूरा भरोसा मिल रहा है लोगों का। चुनाव से पहले ही हमें नतीजा मिल रहा है कि वो हमारे साथ पूरा है, उनका पूरा सहयोग है। बड़े बड़े जो आशीर्वाद आपको मिल गया, हाँ जी, अब क्या बाकी रह गया? नहीं, अब तो कुछ बाकी नहीं रहा। देवभूमि में, देवभूमि में तो वैसे ही बहुत बड़े बड़े भगवान रहते हैं। अच्छा, इतने बड़े नेता तो उनका आशीर्वाद मिल रहा है और अच्छा है। वहाँ पे काफ़ी पवित्र नदियाँ बह रही है तो अच्छा लगता है कि हमें सीधा देवभूमि का ही आशीर्वाद मिला, तो अच्छा लग रहा है। इतने बड़े नेता ने आपके कार्यक्रम में इतना ज़्यादा समय दिया, क्या मानती है कि आप कुछ विशिष्ट हैं या अलग हैं? ये सब उनका प्यार आशीर्वाद है जो हमें वो देवभूमि से ही, जो डायरेक्टली कह रहे थे ना कि वहाँ से सिर्फ भगवान का ही आशीर्वाद आता है, तो वो वहाँ पे भगवान जी का ही आशीर्वाद था कि इतने बड़े नेता का हमें आशीर्वाद और प्यार सम्मान सब मिल रहा है।